Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our new unit, unit 7, capacity. Capacity firstly क्या होती है? Capacity से पहले हमने length का topic भी किया है, weight का भी. Length हमारी कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में हम length का use करते हैं, length का concept use करते हैं कि कोई चीज़ कितनी लंबी है. जैसे हम अपनी height देखते हैं, cloth लेने जाते हैं तो length का हमारा meter centimeter scale use होता है ना. ऐसे ही weight में हमारा कोई चीज़ कितनी भारी है, जैसे हम अपना वेट देखते हैं. वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, पल्सीज हैं, इन सबका वेट मेजर करके ही इनको खरीदा जाता है. ऐसे ही कैपेसिटी होता है. कैपेसिटी मतलब कि किसी में कितनी वो वैल्यू होल्ड कर सकती है, कितना उसके अंदर मटेरियल आ सकता है. फॉर एग्जांपल हम बोतल लेते हैं, वाटर बोतल लेते हैं, तो उसके अंदर जितना वाटर आ सकता है बोतल के अंदर, तो वो उस बोतल की कैपेसिटी है. मतलब उसके अंदर कितनी वैल्यू होल्ड कर सकती है ना. ऐसे ही कैंपर होते हैं, जैसे उसमें हो गया, और कोई भी आप लेते हो अपना यूटेंसिल्स, उसमें कितना वैल्यू आ सकती है. आप जैसे मिल्क लेने जाते हो तो आप देखते हो ना कि मिल्क देने के लिए जो आते हैं वो एक उनके पास एक बर्तन होता है, लाइक ऐसा ही हमारी शेप होती है, तो वो इसको मेज़र करके और फिर हमें वो डाल के देते हैं ना. तो वो क्या कि उसकी कैपेसिटी ही होती है ना. वो हमें कैसे पता चलता है कि वो उसने इतना, क्योंकि वो उस यूटेंसिल की एग्जैक्ट मेज़र उतने की होती है. तो अब हमें ऐसी फाइव थिंग्स बतानी है जो शॉपकीपर कैपेसिटी का मेज़र करके, मतलब कितना उस यूटेंसिल के अंदर होल्ड हो सकती है वैल्यू, उसका मेज़र करके हमें देता है. लिक्विड चीज़ें होती हैं सारी कैपेसिटी के अंदर, मिल्क, पेट्रोल, ऑयल, जूस, इंक, और भी आप कोई एग्जांपल लिख सकते हो. अब जैसे हमारी लेंथ के अंदर यूनिट थी मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, वेट के अंदर थी किलोग्राम और ग्राम. ऐसे ही कैपेसिटी को टू यूनिट में मेज़र किया जाता है, लीटर एंड मिलीलीटर. लीटर एंड मिलीलीटर, लीटर के लिए स्मॉल एल या कैपिटल एल, और मिलीलीटर के लिए ml, ये यूनिट्स यूज़ होती हैं. तो लीटर जब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है और मिलीलीटर जब कम वैल्यू होती है. सो आपको यूनिट्स एक्सप्रेस करनी है. मिल्क इन अ कप, कप बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता, इतना साइज़ होता है तो कप का क्या आएगा, मिलीलीटर. मेडिसिन इन ए स्मॉल बॉटल, स्मॉल छोटी सी बोतल में है तो मिलीलीटर. वाटर इन अ बकेट, बकेट में तो बहुत ज़्यादा आता है ना पानी, सो लीटर. पेट्रोल इन अ कार, कार में भी लीटर में होता है. ऑयल इन अ कैन, कैन बड़े साइज़ की होती है तो लीटर. जूस इन अ बॉटल, बॉटल अगर आपकी स्मॉल बॉटल है तो मिलीलीटर में ही होगा. वाटर इन अ बॉटल, एक बॉटल में हमारा हो अगर, तो वो लीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी. इंक इन एन इंक पॉट, इंक पॉट बहुत छोटे साइज़ का होता है तो मिलीलीटर. क्लियर है? अब कुछ फॉर्मूलाज हमने लेंथ में भी किया था और वेट में भी किया था हमने. दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. ऐसे ही लीटर और मिलीलीटर का भी फॉर्मूला होता है, दैट 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. तो ये चीज़ आप माइंड में रखकर करेंगे वर्कशीट 1. क्वेश्चन 2 करने की नीड नहीं है, सो यू कैन पुट क्रॉस हियर. सो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन 1. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स. जैसे हमने अपनी लास्ट यूनिट्स में किया था कन्वर्जन, सेम प्रोसीजर इसमें भी यूज होगा. फर्स्टली 7 लीटर को करना है. सो फर्स्टली मेंशन द यूनिट, यूनिट नेम, वर्कशीट, एंड देन राइट द फॉर्मूला, एंड देन स्टार्ट द सम 1 पार्ट A सॉल्यूशन. नाउ 7 लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में. तो फर्स्टली यू नो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 7 लीटर में कितने हो जाएंगे, 7000. ऐसे ही 1 लीटर में 1000 है तो 200 लीटर में कितने हो जाएंगे, 200,000. पीछे 3 जीरोज और पुट हो गई ना हमारी, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ वाले जीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 बन जाए 7 बन गया, और 3 जीरोज़ की 3 जीरोज़ आ गई, है ना. ऐसे ही 200 है तो 200 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 200 एज इट इज़, और 1000 मतलब 30, तो 30 और इसके बाद पुट हो गई. सेम है ऐसे ही प्रोसीजर हम और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 8 लीटर 750 मिलीलीटर. तो अब आपको पता है इसको तो कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है, ये ऑलरेडी मिलीलीटर में है, सिर्फ हमें कन्वर्ट किसको करना है, लीटर को. सो यू नो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 8 लीटर में 8000 हो गए. नाउ टेकिंग द क्वेश्चन, 8 लीटर प्लस 750 मिलीलीटर, 8 लीटर में कितने मिलीलीटर हो गए, 8750 मिलीलीटर एज इट इज़, क्योंकि मिलीलीटर में ही मिलीलीटर ऐड हो सकता है, इसलिए हमने कन्वर्ट किया. अब दोनों सेम टाइप की हो गई तो हम ऐड कर देंगे. वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हमने पहली वर्कशीट्स में किया था, कोई अलग मेथड नहीं है. सो यू हैव टू कंप्लीट वर्कशीट 1 इन योर फेयर नोटबुक एंड द पेज नंबर 63 इन योर बुक. थैंक यू.